अगर आप किसी काम की शुरुआत करने में अधिक समय लगाते हैं तो उस काम को आप कभी नहीं कर पाओगे। इसीलिए समझदारी इसी में है कि सोचने में अधिक समय व्यर्थ ना करें और उस काम को आज से ही शुरू करें। अपने जीवन को खुद ही बदलना होगा, दूसरों का इंतजार मत करो। यदि आप उड़ नहीं सकते हो तो दौड़ो, यदि दौड़ नहीं सकते हो तो चलो, और यदि चल भी नहीं सकते हो तो रेंगो, लेकिन हमेशा आगे बढ़ते रहो। अगर आप सफल होना चाहते हो तो आपको अपने काम में एकाग्रता लानी होगी। समय वही बदलता है जो समय के साथ बदलता है। हमारी सबसे बड़ी कमजोरी बीच में ही हार मान लेना है। सफल होने का सबसे निश्चित तरीका यही है कि हमें एक और बार प्रयास करना है। इंतजार करने वालों को उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। सफलता किसी भी उम्र में अच्छी है, लेकिन जितनी जल्दी आप उसे पा लोगे उतनी ही देर तक आप उसका आनंद ले पाओगे। उठो, जागो, और तब तक नहीं रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए। जीवन ऐसे जियो जैसे कोई नहीं देख रहा हो, और अपने आप को ऐसे व्यक्त करो जैसे हर कोई सुन रहा हो। आपके सपने जरूर सच होंगे, पर इसके लिए पहले आपको सपने देखने होंगे। हास्य मानव जाति को प्राप्त सबसे बड़ा आशीर्वाद है। हमारा भविष्य इस बात पर निर्भर करता है कि हम आज क्या कर रहे हैं। एक समय में एक काम करो, और ऐसा करते समय अपनी पूरी आत्मा उसमें डालो और बाकी सब भूल जाओ। आप रुक सकते हैं, लेकिन समय आपके लिए नहीं रुकता। खोया हुआ समय कभी वापस नहीं आता, इसीलिए समय बर्बाद न करें। एक बेहतरीन किताब 100 अच्छे दोस्तों के बराबर है, लेकिन एक अच्छा दोस्त एक पुस्तकालय के बराबर है। पहाड़ चढ़ने वाला व्यक्ति झुककर पहाड़ चढ़ता है, और उतरने वाला अकड़कर। इसीलिए जो व्यक्ति झुक रहा है वो पहाड़ चढ़ रहा है, और जो अकड़ रहा है वो बड़ी ही तेजी से नीचे आ रहा है। खुद वो बदलाव बनिए जो आप दुनिया में देखना चाहते हैं। यदि हम अपने कार्य में लगे रहे तो हम जो चाहे वो पा सकते हैं। जब असफलता मिलती है तो यह संकेत देती है कि आपकी योजना सही नहीं है, तो अपनी योजनाओं का पुनर्निर्माण करें और अपने लक्ष्य की ओर फिर से बढ़ जाएं। हर दिन एक नई शुरुआत है। अपने बीते कल को भूलकर आज से ही नई उम्मीदों के साथ आगे बढ़े। कमाओ, कमाते रहो, तब तक कमाओ जब तक महंगी चीजें सस्ती ना लगने लगे। यदि प्लान ए काम नहीं कर रहा तो कोई बात नहीं, 25 और लेटर्स हैं, उन पर ट्राई करो। खुद को संकट में डालकर कार्य संपन्न करने वाले की ही विजय होती है, कायरों की नहीं। इस दुनिया में किसी के साथ खुद की तुलना मत करो। यदि आप ऐसा कर रहे हैं तो आप खुद का अपमान कर रहे हैं। संघर्ष जितना मुश्किल हो, जीत उतनी ही शानदार होगी। हर वो चीज जहर है जो आवश्यकता से अधिक है, फिर चाहे वो धन हो, भूख हो या ताकत। अपने कर्मों पर विश्वास करो, किस्मत तो बस एक बहाना होती है। कठिनाइयां हमें तोड़ने के लिए नहीं, बनाने के लिए आती है। बड़ा काम करने का एकमात्र रास्ता है उस काम के साथ प्यार करना। विफलता आपको तब तक नहीं हरा सकती जब तक आप उससे हार नहीं मान लेते। मैं असफल नहीं हुआ हूं, मैंने बस 10,000 ऐसे तरीके ढूंढे हैं जो काम नहीं करते। असफलता के डर को अपने सपने के बीच की बाधा मत बनने दो, बल्कि उसे अपने सफल होने की प्रेरणा बना दो।
किसी दिन जब आपके सामने कोई समस्या ना आए तो आप सुनिश्चित हो सकते हो कि आप गलत राह पर चल रहे हो। चिंतन करो, चिंता नहीं, नए विचारों को जन्म दो। कठिनाइयां हमारे जीवन में बिना किसी वजह के नहीं आती। उनका आना ये इशारा है कि अब हमें जीवन में कुछ बदलना है। भाग्य भी उन्हीं का साथ देता है जो कठिन परिस्थितियों का सामना करके भी अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं। अगर आपने सफर शुरू कर ही दिया है तो बीच रास्ते से लौटने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि वापस आने में जितनी दूरी तय करनी होगी, क्या पता मंजिल उससे भी पास हो। सच्चे रिश्ते कुछ नहीं मांगते सिवाय वक्त और इज्जत के। अपने आप को विकसित करें। याद रखें, गति और विकास जिंदा होने की निशानी है। जिंदगी एक खेल की तरह है। अगर तुम इसे खिलाड़ी की तरह खेलते हो तो जीत सकते हो, और दर्शक की तरह देखते हो तो सिर्फ ताली बजा सकते हो, जीत नहीं सकते। अगर भाग्य पर भरोसा रखते हो तो जो तकदीर में लिखा है वही मिलेगा, और अगर खुद पर भरोसा रखते हो तो जो चाहोगे वही पाओगे। कोई भी काम शुरू करने से पहले खुद से ये 3 सवाल जरूर पूछना। मैं ये काम क्यों कर रहा हूँ? इस काम को करने के क्या परिणाम हो सकते हैं? और क्या इस काम में मैं सफल होऊंगा? जब भी इन 3 सवालों के जवाब मिल जाए तभी आगे बढ़ो। मौके के इंतजार में मत बैठो, आज का मौका ही बढ़िया मौका है। आज रास्ता बना लिया है तो कल मंजिल भी मिल जाएगी। हौसलों से भरी ये कोशिश एक दिन जरूर रंग लाएगी। अगर जिंदगी को समझना है तो पीछे देखो, और जिंदगी को जीना है तो आगे देखो। जहां सूर्य की किरण हो वही प्रकाश होता है, और जहां प्रेम की भाषा हो वही परिवार होता है। ताकत और पैसा जिंदगी के फल है, परिवार और मित्र जिंदगी की जड़ है। काबिल दोस्त का होना भी शायद तकदीर होती है, बहुत कम लोगों के हाथों में ये लकीर होती है। एक सुलझा हुआ व्यक्ति वो है जो अपने जीवन के निर्णय खुद लेता हो। खुश वो लोग हैं जो अपना मूल्यांकन करते हैं, और परेशान वो है जो दूसरों का मूल्यांकन करते हैं। उत्तम से सर्वोत्तम वही हुआ है जिसने अपने आलोचनाओं को धैर्यपूर्वक सुना है और सहा है। एक पेड़ पर बैठा पक्षी कभी भी उस डाल को टूटने से नहीं डरता, क्योंकि उसका भरोसा डाल पर नहीं खुद के पंखों पर होता है। हमेशा खुद पर विश्वास रखना। आप अपना भविष्य बदलने की चिंता मत करो, अपनी आदतें बदलो, और आपकी आदतें आपका भविष्य बदल देगी। बारिश की बूंदें भले ही छोटी हो, लेकिन उनका लगातार बरसना बड़ी नदियों का बहाव बन जाता है। वैसे ही हमारे छोटे छोटे प्रयास भी जिंदगी में बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं। पैसों से मिली खुशी कुछ ही समय के लिए होती है, लेकिन अपनों से मिली खुशी जीवन भर साथ रहती है। जिंदगी में मुश्किलों का आना पार्ट ऑफ लाइफ है, और उनसे हंसकर बाहर आना आर्ट ऑफ लाइफ है। तनाव से केवल समस्या ही जन्म लेती है। समाधान खोजना है तो मुस्कुराना ही पड़ेगा। ना बोलना बड़ी बात है
और ना चुप रहना बड़ी बात है, मगर कब बोलना और कब चुप रहना, इसका विवेक रखना, ये बड़ी बात है। फालतू के खर्चे जीवन की रीत बिगाड़ते हैं और फालतू की चर्चा संबंधों की प्रीत बिगाड़ती है। किसी को पाने के लिए हमारी सारी खूबियां भी कम पड़ जाती हैं और किसी को खोने के लिए एक गलत फहमी भी काफी है। समय और शिक्षा का सही उपयोग ही व्यक्ति को सफल बनाता है। अच्छे लोग और अच्छी किताबें तुरंत समझ में नहीं आती, उन्हें ध्यान से पढ़ना पड़ता है। अगर आप किसी विषय में महारत हासिल करना चाहते हो तो उस विषय को दूसरों को सिखाना शुरू कर दो। निंदा से घबराकर अपने लक्ष्य को ना छोड़ना, क्योंकि अक्सर लक्ष्य मिलते ही निंदा करने वालों की राय बदलती है। शिक्षा कभी व्यर्थ नहीं होती, भले ही वो कोई भी तरह की ग्रहण की हो। हर बहाने को किनारे रख दीजिए और बस इस बात को याद रखिए कि हाँ, मैं कर सकता हूँ। यूं ही हर कदम पर मत लड़खड़ाओ, कामयाबी पानी है तो संभल जाओ। मत शोर करो अपने प्रयासों का, खामोशी से अपनी जिंदगी बदल जाओ। अंधेरे से मत डरो, सितारे अंधेरे में ही चमकते हैं। आप सर्वगुण संपन्न नहीं बन सकते और ऐसा बनने की कोशिश भी आपके दुखों का कारण बन सकती है। जिंदगी बहुत कुछ सिखाती है, कभी हंसाती है तो कभी रुलाती है, पर जो हर हाल में खुश रहते हैं जिंदगी उनके आगे सर झुकाती है। जिंदगी में हमेशा ऐसे लोगों को पसंद करो जिनका दिल चेहरे से ज्यादा खूबसूरत हो। जिस व्यक्ति ने कभी कोई गलती नहीं की, उसने कभी कुछ नया करने की कोशिश ही नहीं की। जो व्यक्ति अपनी सोच नहीं बदल सकता, वो कुछ नहीं बदल सकता। शेर हमेशा पीछे होकर छलांग लगाता है, वैसे जिंदगी भी हमें पीछे करती है ताकि हम और आगे बढ़ सकें। हम सभी के पास समान प्रतिभा नहीं है, लेकिन हमारे पास समान अवसर है अपने प्रतिभा को विकसित करने के लिए। अपनी ऊर्जा को चिंता करने में खत्म करने से बेहतर है इसका उपयोग समाधान ढूंढने में किया जाए। कोई भी व्यक्ति हमारा मित्र या शत्रु बनकर इस संसार में नहीं आता, हमारा व्यवहार और शब्द ही लोगों को मित्र और शत्रु बनाता है। जिंदगी बदलने के लिए लड़ना पड़ता है और आसान करने के लिए समझना पड़ता है। समय अच्छा हो तो आपकी गलती भी मजाक लगती है और समय खराब हो तो आपका मजाक भी गलती बन जाती है। समय के साथ जीवन में परिवर्तन कीजिए, पर ना वक्त बदलने में वक्त नहीं लगता। जिंदगी में कभी भी अपने आप को किसी से हीन या श्रेष्ठ मत समझना, क्योंकि श्रेष्ठता अहंकार पैदा करती है और हीनता आत्मविश्वास को कम कर देती है। जमीन की खुदाई से प्राप्त होने वाले सोने से ज्यादा सोना विचारों की खुदाई से प्राप्त होता है। जिस ज्ञान से मनुष्य खुद को जानता है वही सच्चा ज्ञान है।
जिंदगी में कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, और कुछ खोने के लिए बहुत कुछ पाना पड़ता है। दर्द को स्वीकारना दर्द से उबरने का पहला महत्वपूर्ण कदम है। ये मत मानिए कि जीत ही सब कुछ है। महत्वपूर्ण ये है कि किस उद्देश्य के लिए आप जीतना चाहते हैं। या तो आप अपने प्रवास में लग जाओ, नहीं तो लोग अपने प्रवास में आपको शामिल कर लेंगे। दुनिया के लिए आप एक व्यक्ति हैं, लेकिन आपके परिवार के लिए आप पूरी दुनिया हो। अपना ख्याल रखें। जिंदगी वही है जो हम अभी जी रहे हैं। कल जो जिएंगे उसे उम्मीद कहते हैं। घायल तो यहां हर परिंदा है, मगर जो फिर भी उड़ सके वही जिंदा है। इंसान तब सफल होता है जब वो दुनिया को नहीं खुद को बदलने की शुरुआत करता है। मुश्किल समय में समझदार व्यक्ति रास्ता खोजता है और कमजोर व्यक्ति बहाना। हार कर बैठे रहने से अच्छा है एक और बार पूरे जी जान से कोशिश करना। आपके अंदर बचपन से ही एक महान व्यक्ति छुपा है, बस देरी है उसे बाहर निकालने की। अनुभव उम्र से नहीं, परिस्थितियों का सामना करने से आता है। धैर्य रखिए, आसान बनने से पहले सभी चीज मुश्किल होती है। जीत कर दिखाओ उनको जो तुम्हारे हार का इंतजार कर रहे हैं। रेस चाहे जिंदगी की हो या गाड़ी की, जीतता वही है जो सही समय पर गियर बदलता है। जीत और हार आपके सोच पर निर्भर करते हैं। मान लो तो हार होगी और ठान लो तो जीत होगी। सफल वही होते हैं जो दूसरों की बातों पर नहीं खुद की मेहनत पर भरोसा करते हैं। जिद चाहिए कुछ हासिल करने की, वरना उम्मीद लेकर तो हर कोई बैठा है। बेइज्जती का बदला लड़कर नहीं, बल्कि शांति से कामयाब होकर लो। जिद्दी बनना सीखो, क्योंकि कोई भी इंसान एक रात में सफल नहीं होता। किताबें और माँ बाप की बातें जिंदगी में कभी धोखा नहीं देती। अपने संघर्षों को अपना जुनून बना लो, जब तक वो तुम्हारी कहानी ना लिखते। भाग्य के भरोसे रहोगे तो उम्र निकल जाएगी, मेहनत करोगे तो जिंदगी सवर जाएगी। अकेले खड़े रहने का साहस कीजिए, दुनिया ज्ञान देती है साथ नहीं।
उड़ने में बुराई नहीं है, निडर होके उड़ो, लेकिन जहां से जमीन साफ नजर आए। हमेशा याद रखें, बेहतरीन दिनों के लिए बुरे दिनों से लड़ना पड़ता है। जीवन में जो बात खाली पेट और खाली जेब सिखाती है, वो बात कोई यूनिवर्सिटी और शिक्षक नहीं सिखाता। नशा दौलत का नहीं, कामयाबी का रखो, और जिद कामयाबी की नहीं, मंजिल की रखो। जिंदगी में हर जगह पैसा काम नहीं आता, कहीं जगह इंसान का सहारा भी काम आता है। दुनिया विरोध करे तो डरना मत, क्योंकि जिस पेड़ पर फल लगते हैं, दुनिया उसी पे पत्थर मारती है। तकलीफ देने वाले को भले ही भूल जाओ, लेकिन तकलीफ में साथ देने वाले को कभी नहीं भूलना। अगर आपके लिए कोई रास्ता नहीं बचा, तो अपना रास्ता खुद बना लो। मरम्मत चल रही है जिंदगी की जनाब, उठेंगे जल्दी ही एक बड़ा तूफान लेकर। आंखों में नींद बहुत है पर सोना नहीं है, यही समय है कुछ कर दिखाने का, इसे खोना नहीं है। दुनिया आपको गिरा सकती है, लेकिन जब तक आप ना चाहो, हरा नहीं सकती। जहां तक दिखाई दे, वहां तक जाने की कोशिश जरूर करें। जब आप वहां पहुंचोगे, तो उससे भी आगे देख पाओगे। हार तो वो सबक है जो आपको बेहतर होने का एक और मौका देगी। इतना भी आसान नहीं है सफल हो पाना, लाखों लोगों से अलग होकर सोचना पड़ता है। दूसरों का दर्द वही समझ सकता है जो खुद उस दर्द से गुजरा हो। हालात, इंसान, किस्मत और जिंदगी, वक्त के साथ सब कुछ बदल जाता है। भविष्य और कुछ नहीं, बल्कि वर्तमान में जो कुछ भी आप कर रहे हो, उसी का परिणाम है। तुम सिर्फ अपने आप से मत हारना, फिर कोई दूसरा तुम्हें हरा नहीं सकता।
दुनियादारी छोड़कर अपने लक्ष्य के पीछे भागो। लोगों का वक्त आता है, तुम्हारा दौर आएगा। कुछ दुश्मन दोस्त की तरह दिखते हैं, ऐसे लोगों से सावधान रहे। होशियार रहना अच्छी बात है, लेकिन दूसरों को मूर्ख समझना सबसे बड़ी बेवकूफी है। झूठी शान के परिंदे ही ज्यादा फड़फड़ाते हैं, बाज की उड़ान में कभी भी आवाज नहीं होता। सपनों को सच करने के लिए सबसे पहले नींद का त्याग करना जरूरी है। वो तो बस लोग अपना इरादा तोड़ देते हैं, वरना इस दुनिया में मुश्किल ऐसा कुछ भी नहीं। सक्सेस आपसे ये 6 चीजें मांगती है: मेहनत, बलिदान, संघर्ष, जुनून, सब्र और विश्वास। असली शिक्षा तो आपके व्यवहार से दिखती है। आपकी डिग्री तो बस एक कागज का टुकड़ा है। समय इंसान को सफल नहीं बनाता, समय का सही इस्तेमाल इंसान को सफल बनाता है। अगर आप कीमत देखे बिना चीजें खरीदना चाहते हैं, तो बिना घड़ी देखे काम करना होगा। आपके जिंदगी के 5 साल अपने सपनों को दे दो। आने वाले 50 सालों तक कामयाबी आपका नाम लेती रहेगी। हर खेल जीता जाए ये आवश्यक नहीं है, हार कर भी कुछ सीखा जाए ये आवश्यक है। इंसान की असली शक्ति हमेशा उसके आत्मा में होती है, और आत्मा कभी विकलांग नहीं होती। वो ज्ञान व्यर्थ है जिसे आप काम में नहीं लेते। जिम्मेदारी या काबिलियत देखकर नहीं मिलती, बल्कि जिम्मेदारी या काबिल बना देती है। उम्र से तो सिर्फ सम्मान मिलता है, पर आदर तो व्यवहार से ही मिलता है। जिंदगी मिली है तो कुछ करके दिखाओ, और वक्त खराब हो तो उसे भी बदल के दिखाओ। जितनी जल्दी आप अपने जीवन की जिम्मेदारी लेंगे, आप उतने ही जल्दी सफल होंगे। जिंदगी तो एक खेल है, यह आप पर निर्भर करता है कि आपको खिलाड़ी बनना है या खिलौना। जरूरत से ज्यादा आराम और हद से ज्यादा प्यार इंसान को अपाहिज बना देता है। हर व्यक्ति किसी न किसी क्षेत्र में जीनियस होता है। किसी को जल्दी पता चलता है तो किसी को देर से। एक रात से कामयाबी तो सिर्फ उन्हें मिलती है जो उस एक रात के लिए कई रातें जगकर काम करते हैं। हो सकता है कि आप में टैलेंट दूसरों से कम हो, पर हार मानने की शक्ति आपको दूसरों से अलग बनाती है। आदमी छोटा हो या बड़ा फर्क नहीं पड़ता, मगर उसकी कहानी बड़ी होनी चाहिए।
हर उस चीज़ में रिस्क लो जो तुम्हें अपने सपने तक पहुंचाए। वक्त, हालात, मौसम कैसे भी हो, आप लड़ना सीखें, चलना सीखें और आगे बढ़ना सीखें। बदलाव बहुत ज़रूरी है अगर तुम्हें सफलता चाहिए तो। एक बार माफ करके अच्छे बन जाओ, लेकिन दोबारा उस इंसान पर भरोसा करके बेवकूफ मत बनो। कुछ लोग समझदार बनकर घमंड में रहे और कुछ लोग बेवकूफ दिखकर दुनिया जीत गए। आपका समय बहुत कीमती है, इसीलिए इसे हमेशा अपने काम में लगाए, लोगों की नेगेटिव बातें सुनने में नहीं। ताकतवर वो नहीं जो अपने शरीर से मजबूत हो, ताकतवर वो है जो अपने दिमाग से मजबूत हो। जीतता वो ही है जो खुद से लड़ना सीख जाता है, और जिस दिन खुद से लड़ना सीख जाओगे, जीत जाओगे। बहाने बनाना बंद करें, क्योंकि दुनिया में ऐसे लाखों उदाहरण हैं जो जीरो से हीरो बने हैं। जिंदगी में खुश रहना चाहते हो तो सबसे पहले उन्हें भूल जाओ जो तुम्हें भूल गए हैं। पढ़ना बंद ना करें, क्योंकि ज्ञान की कोई सीमा नहीं होती, और पढ़ाई ऐसा इन्वेस्टमेंट है जो आपको जिंदगी भर रिटर्न्स देगी। जो व्यक्ति परिश्रम करने से नहीं घबराता, वो व्यक्ति जिंदगी में कुछ भी कर सकता है। लाइफ में सब कुछ आसान है अगर आप बिजी हो, लेकिन सब कुछ मुश्किल है अगर आप लेजी हो। ये मत सोचो कि एक साल और एक महीने में क्या हो सकता है, ये सोचो कि 24 घंटे में क्या हो सकता है। एक शांत व्यक्ति का दिमाग दुनिया में सबसे स्ट्रांग होता है। लाइफ में आगे वही बढ़ता है जो अपने सपने के लिए हर हालात में लड़ने के लिए तैयार हो। कभी हार ना मानने की आदत एक दिन जीतने की आदत बन जाती है। किस्मत से ज़्यादा अपनी काबिलियत पर भरोसा रखो, एक दिन तुम्हारे सपने ज़रूर पूरे होंगे। लोग जब पूछते हैं कि आप क्या काम करते हो, तो वो असल में हिसाब लगाते हैं कि आपको कितनी इज्जत देनी है। इंसान की असली ज़िंदगी तो तब शुरू होती है जब उसके अंदर का डर ख़त्म हो जाता है। किसी को कमज़ोर मत समझना, क्योंकि राख के नीचे अक्सर आग दबी पड़ी होती है। किस्मत सिर्फ मेहनत से बदलती है, बैठकर सोचने से नहीं। इसीलिए उठो और अपने सपनों पर काम करो, समय बीतता जा रहा है।
आपके जीवन में एक समय आएगा जब कुछ लोग पछताएंगे कि उन्होंने आपके साथ गलत व्यवहार क्यों किया था। खुद पर यकीन करो, वो दिन जरूर आएगा। शुरुआत करने के लिए आपको महान होना जरूरी नहीं है, लेकिन महान होने के लिए शुरुआत करना जरूरी है। जो गिरने से डरते हैं वो कभी उड़ान नहीं भर सकते। जिंदगी एक ही है, चाहे जितना वक्त लगे खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करें। याद रखें, रिश्तेदारों का आपसे बर्ताव आपकी कमाई पर निर्भर करता है। रास्ते हजार हैं, चलना पड़ेगा, और सूरज बनना हो तो जलना पड़ेगा। तकदीर बदल जाती है जब इरादे मजबूत हो, वरना जिंदगी बीत जाती है किस्मत को दोष देने में। देर लगेगी मगर सब कुछ सही होगा। हमें जो चाहिए वही होगा। दिन बुरे हैं, जिंदगी नहीं। एक महान इंसान वो है जो बुरे स्थिति में फिसले नहीं और अच्छे स्थिति में उछले नहीं। रुकना नहीं है, अगर आज रुक जाओगे तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। धीरे धीरे ही सही आगे बढ़ते रहना है। इंसान की सोच उसे बादशाह बना देती है। जरूरी नहीं है कि हर किसी के पास डिग्री हो। जीतने का जुनून होना चाहिए। कमजोरियां तो दिमाग पैदा करता है। जिस काम को करने में डर लगता है उसी काम को करना, इसे साहस कहते हैं। क्रोध और आंधी शांत होने के बाद ही पता चलता है कि नुकसान कितना हुआ है। पानी अपना पूरा जीवन देकर एक पेड़ बड़ा करता है, इसीलिए पानी लकड़ी को नहीं डुबा देता। माँ बाप भी कुछ ऐसा ही करते हैं। परवाह मत करो कि कोई क्या कहता है, क्योंकि तुम्हारे घर के खर्चे तुम्हें उठाने हैं, लोगों को नहीं। डर से डरोगे तो ही कुछ बड़ा करोगे। जहां आप कुछ नहीं कर सकते वह एक चीज पक्की कीजिए, कोशिश। तुम्हारे दिमाग में है और आने वाला कल तुम्हारे साथ है। जो सपने आंखों की नींद उड़ा दे वही काम के हैं, बाकी तो सब नाम के हैं। जिंदगी का एक उसूल याद रखना, पहचान सबसे रखना, लेकिन भरोसा सिर्फ खुद पे करना।
दिल लगाकर धोखा खाने से अच्छा है दिमाग लगाकर पैसे कमाना। तरक्की होगी तो गिराने वाले भी होंगे, तुम तैयार रहना, आजमाने वाले भी होंगे। फिर से प्रयास करने से मत घबराना, क्योंकि इस बार शुरुआत शून्य से नहीं, अनुभव से होगी। अपने आप को इस कदर बनाइए कि पाने वालों को नाज हो और खोने वालों को अफसोस।